आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं मनीष सिंह। खूंटी के कर्रा प्रखंड में नाबालिग आदिवासी छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म। जत्रा देखने गई थी पीड़िता, 5 युवकों ने किया अमानवीय कृत्य। वही मामले में 3-4 युवकों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। जिले का आपराधिक ग्राफ लगातार ऊंचा होता जा रहा है, आपराधिक घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। जिले के कर्रा प्रखंड अंतर्गत कर्रा थाना क्षेत्र में गत सोमवार को 5 युवकों द्वारा एक नाबालिग आदिवासी छात्रा का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना की जानकारी होने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता को बरामद कर लिया। इस संबंध में पुलिस 3-4 युवकों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक गत सोमवार को कर्रा थाना अंतर्गत साके टोली बाजार टाण में एक जत्रा का आयोजन हो रहा था। उप छात्रा पड़ोस के 4 बच्चों के साथ जत्रा देखने गई थी। वहां से वापस लौटते समय रात के करीब 9 बजे 2 बाइक पर सवार 5 युवक उनके पास पहुंचे। उक्त युवकों ने छात्रा को जबरन मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और एक स्थान पर ले जाकर 5 ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के साथ गए बच्चों ने गाँव पहुँच कर घटना के बारे में पीड़िता के परिजनों को बताया। परिजनों ने तत्काल गांव की एक महिला से संपर्क किया तो उसने तुरंत समाज सेवी लक्ष्मी बाखला को मामले से अवगत कराया। इस पर लक्ष्मी ने तत्काल पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर को खबर की। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कर्रा पुलिस हरकत में आ गई और तोरपा SDPO ओम प्रकाश तिवारी, इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह व कर्रा थाना प्रभारी मुन्ना सिंह के नेतृत्व में छापामार टीम छात्रा की तलाश में निकल पड़ी। इसके बाद पुलिस ने नाबालिग छात्रा को रात करीब 12:30 बजे सावड़ा जंगल से बरामद कर लिया। मंगलवार को पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच कराई। SDP ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि 3-4 युवकों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही सभी अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अभी के लिए इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।